नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जुलाई के इस महीने हम आ चुके हैं बम्पर भर्तियां, उसी में से एक आज हम अपनी इस वीडियो में लेके आए हैं जो कि BSF द्वारा जारी की गई है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा विभिन्न पदों पर यह भर्तियां निकाली गई हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे इसमें अप्लाई करना और क्या क्या इसमें शिक्षक योग्यता, शारीरिक योग्यता, वेतन आदि क्या क्या इसमें योग्यताएं रहने वाली हैं। तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहना। अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि हम जो भी अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेके आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। कैसे आपको मोबाइल से अप्लाई करना है, इसमें आपको BSF टाइप करना है, विभिन्न फोल्डर्स आ जाएंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है https://bsf.gov.in एक्ट एंड रूल, इसके BSF एक्ट एंड रूल पे आपको क्लिक कर लेना है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का कुछ इस तरह से इंटीरियर खुलेगा, सीमा सुरक्षा बल जिसमें आपको नीचे आना है। जैसे आप रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो रिक्रूटमेंट में भी एक फोल्डर खुलेगा जो कि रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स पे आपको क्लिक करना, जो कि BSF VET रिक्रूटमेंट है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। वीडियो डिटेल्स इनका अच्छी तरह से देख लें कि क्या क्या इसमें योग्यताएं मांगी गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसमें जो एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन जारी किया गया है, पुरुष और महिलाएं जो कि भारत की निवासी हैं उनके लिए यह फॉर्म जारी किया गया है। इसमें विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। SI स्टाफ नर्स की पोस्ट है इसमें, जिसमें 37 पद इस वैकेंसी पे निकाले हैं, जिसमें सामान्य जाति के 14 हैं, EWS के 3 हैं, SC के 5 हैं, ST के 2 हैं, OBC के 13 हैं। इसमें जो आयु सीमा रहने वाली वो 21 साल से 30 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि जो शिक्षक योग्यता रहने वाली है तो वो 10+2 की 12वीं पार्स विद्यार्थी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा होना चाहिए GNM जनरल नर्सिंग प्रोग्राम में। इसमें जो पे स्केल रहने वाले बहुत ही बढ़िया रहने वाली है, 35,400 से लेकर 1,12,400 तक का पर मंथ का वेतन रहेगा, जो कि आपका आगे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा। तो वेतन बहुत ही बढ़िया है इसमें, प्लस और भी अलाउंसेस आपको इसमें मुहैया करवाए जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के लिए जो इसमें जारी की गई है, तो वो है ASI की, ऑपरेशन थिएटर में ग्रुप सी की वैकेंसी है। एक ही पोस्ट इस वैकेंसी में जारी की गई और वो भी OBC कैटेगरी के लिए। इसमें 20 साल से 25 साल तक के अभ्यर्थी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो वेतन रहेगा वो 29,200 से लेकर 92,300 रुपए तक आपका पर मंथ का वेतन रहेगा, जो कि आगे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपका बढ़ता रहेगा। इसमें जो शिक्षक योग्यता रहने वाली है तो वो बहुत ही कम है, 10+2 विद साइंस, यानी कि 12वीं आपके पास पास होनी चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम के साथ। सो बहुत ही कम इसमें शिक्षक योग्यता मांगी गई है, कोई भी एक्सपीरियंस इस वैकेंसी के लिए नहीं मांगा गया है। सो फ्रेशर्स भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी के लिए बढ़ते हैं इसी में, तो वो है ASI की, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के, जिसमें कुल 28 पद इस वैकेंसी पर जारी किए गए, जिसमें जनरल के 12 हैं, EWS के 3 हैं, SC के 4 हैं, ST के 2 हैं, OBC के 7 हैं। इसमें 18-25 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो वेतन रहेगा वो 29,200 से लेकर 92,300 रुपए पर मंथ का इसमें वेतन दिया जाएगा। इसमें जो शैक्षिक योग्यता रहेगी वो 10+2 विद साइंस, यानी कि इसमें भी आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम के साथ ही। इसके डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, डिप्लोमा इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी के लिए बढ़ते हैं इसी में, तो जो कि है CT वार्ड बॉय वार्ड गर्ल। इसमें जनरल की 2 वैकेंसी जारी की गई हैं, ST की 2 हैं, OBC की 5 है। तो इसमें कुल 9 पोस्टिस इस वैकेंसी पर जारी की गई हैं। आयु सीमा रहने वाली वो 18 से 23 साल तक के अभ्यर्थी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो वेतन आपको दिया जाएगा वो लेवल 3 के अंडर दिया जाएगा, यानी कि 31,700 से लेकर आपको 69,100 रुपए पर मंथ का इसमें वेतन दिया जाएगा। वेतन बहुत ही बढ़िया इसमें दिया जाएगा, जिसमें कि शैक्षिक योग्यता बहुत ही कम इसमें मांगी गई, 10वीं पास इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्लस 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी के लिए बढ़ते हैं, जो कि है वर्टनरी स्टाफ की। कुल 20 पोस्टें इस वैकेंसी पर जारी की गई हैं, HC वर्टनरी ग्रुप सी पोस्ट है इसमें। इसमें जनरल की 9 हैं, EWS की 2 हैं, SC की 3 हैं, ST की 2 हैं और OBC की 4 हैं। इसमें जो आयु सीमा रहने वाली है वो 18 से 25 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो वेतन आपको दिया जाएगा वो 25,500 से लेकर 81,000
₹100 तक का आपका वेतन इसमें रहेगा, जो कि आगे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपका बढ़ता रहेगा। इसमें और भी अलाउंसेस जो कि इसमें टूल टैक्सेस प्लस और भी अलाउंसेस आपके फ्री मेडिकल अलाउंसेस, मोबाइल रिचार्जेस अलाउंसेस, ये सब आपको दिए जाएंगे। इसमें जो शैक्षिक योग्यता रहेगी वो आपकी 12वीं पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा आपकी होनी चाहिए। 1 साल के इसी फील्ड में वेटरनरी स्टॉक असिस्टेंट के फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए बढ़ते हैं, जो कि कांस्टेबल वैकेंसी है, जो कि कैनलमन। इसमें जनरल की 9 है, EWS की 1 है, SC की 1 है, ST की 3 है। 15 पोस्टेस इस वैकेंसी पर जारी की गई हैं। इसमें जो आयु सीमा रहने वाली है वो 18 से 25 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा वो 21,700 से लेकर ₹69,100 पर मंथ का वेतन रहेगा। इसमें जो शैक्षिक योग्यता रहेगी कि आपके पास 10th क्लास पास होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा, प्लस 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो इसमें वेतन बहुत ही बढ़िया दिया जाएगा, ₹70,000 तक आपका वेतन पर मंथ का रहेगा। सो इसमें शैक्षिक योग्यता खाली इसमें 10वीं पास ही मांगी गई है। इसमें जो एज रिलैक्सेशन यानी रहने वाला है, यानी कि जो आयु में छूट दी जाएगी कैटेगरी वाइज, तो वो कुछ इस तरह से है। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 5 साल की इसमें दी जाएगी, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो आती हैं उनके लिए 3 साल की दी जाएगी, प्लस एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व्ड जनरल है उनके लिए भी 3 साल की दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन OBC की है तो उनके लिए 6 साल की दी जाएगी, एक्स सर्विसमैन SC ST कैटेगरी से हैं तो उनके लिए 8 साल की दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। पहले इसमें लिखित परीक्षा होगी, जिसमें कि आपका OMR शीट दी जाएगी। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें कि आपको 2 घंटे की इसमें टाइमिंग लिमिट दी जाएगी। इसमें जो आपको पासिंग मार्क्स चाहिए तो वो जनरल OBC और EWS कैटेगरी से जो आते हैं उनके लिए 45% इसे लिखित परीक्षा को पास करने के लिए चाहिए, और जो SC ST कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 40% चाहिए। हाउ टू अप्लाई, आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द कैंडिडेट मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना है। जो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है, यानी कि 26 जुलाई 2021 तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो जल्दी से आके अप्लाई कर दे। बहुत ही बढ़िया वैकेंसीज BSF द्वारा जारी की गई हैं, जो कि पूरी तरह सरकारी संस्था है, जिसमें वेतन भी बहुत ही बढ़िया इसमें रहने वाला है, शैक्षिक योग्यता बहुत ही कम मांगी गई है। जल्दी से जाके आप अप्लाई कर दें। अगर लास्ट डेट का इंतजार करते रहोगे तो बाद में कई बार साइट बिजी आ जाती है, तो बहुत से अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं। एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट, जो एप्लीकेशन फीस इसमें रहेगी वो मात्र ₹200 आपकी रहेगी फॉर ग्रुप बी पोस्टिस के लिए, और जो ₹100 रहेगी आपकी ग्रुप सी की पोस्टिस के लिए, जो कि आपको नेट बैंकिंग के थ्रू क्रेडिट कार्ड के थ्रू जमा करनी है। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आप सभी को बढ़िया लगी होगी। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही उसके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि हम जो भी अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेके आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।